देखें, पहले तो एक चीज को मैं बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करूंगा कि अगर मोमना वहीद साहिबा हमारी पार्टी में भी होती और अगर वो अपना वोट देने का हक ना रखती तो हम उनके ऊपर हर तरह की तनकीद कर सकते थे। हमें इजाजत थी एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, शायद मैं भी करता। लेकिन किसी को ऊपर आप इस लेवल तक गिर जाओ कि आप कहो कि इसने पैसे ले लिए हैं, ये मॉरली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट है, पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, ये बिलो द लाइन बातें होती हैं। हमें खवातीन की इज्जत करनी चाहिए और सॉफ्ट टारगेट्स को इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए। दादा साहब, ये सियासत है, सियासत में इल्जाम लगता है, हम सिर्फ क्लेरिफिकेशन चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोग लाइव बैठे हुए हैं। बात नहीं कर रहा, सियासत हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं और जानते भी हैं। और फवाद भी मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ, मैं मोमना को भी जानता हूँ बड़ा अच्छा, एंड मैं दोनों कलीग्स हैं। और इस तरह की बातें जब आप खवातीन के बारे में नहीं करनी चाहिए, जो पूरी रवायत है सियासतदानों की तरफ से भी हो, वो मेरी जमात की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, वो गलत रवायत है और ये रवायत नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, आपने कहा कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो गया। देखिए, कोइंसिडेंस तो है ही नहीं। यहाँ तो 21 लोग पहले उन्होंने अपनी सीटें गवा दी और यहाँ लोग हजारों कतार लाइनें लगी हुई है भाई, जिनके पेट खराब हैं, जिनको उम्र याद आ गई हैं, जिनको कोई और चीजें लोग। अब ये अजब बात सीधी सी है कि जब ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं, लेफ्ट राइट आंसर, सवाल सीधा सा है भाई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आप, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लें अगर आपका नंबर पूरे हैं। अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो आपका नंबर पूरे नहीं दादा साहब, ड्यू रिस्पेक्ट आप ले आए तरीके से, मैं तबाह, आपने क्यों ऑफ टेबल कर दी? अगर आप उनके नंबर पूरे ना होने की बात कर रहे हैं तो नंबर आपके पास पूरे, तो आप ले आए मैं तबाह की तरीक। नहीं, हम अदम एतमाद की तारीख तो आप पीछे रहेगी ना भाई, पहले नहीं, तो क्यों वोट पीछे रह गई है? मुझे दादा साहब क्लियरिफाई कर दे, यहाँ पर वजीर दाखिला कह के जा रहे हैं कि जब तक जाएंगे नहीं हम फैसला नहीं करेंगे, मैं इस्लामाबाद नहीं जाने वाला, तो आप ले अभी 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 एज ऑफ राइट नाउ पंजाब असेंबली में क्या चीज चेयर हुई हुई है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई है या वोट ऑफ के कॉन्फिडेंस तरीके के बाद लाई गई थी, वापस कर ली गई, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाई गई थी, वापस कर ली गई, ये तो अब आप बेहतर बताएंगे क्यों कर ली गई? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है भाई, पहले एक महाज को तो पूरा करें। आपकी गवर्नर ये जो चॉइस चॉइस साहब हैं, कह रहे हैं कि हमारे पर नंबर पूरे, नंबर आपके पूरे करके दिखाएं, बात ही खत्म है। बात तो अगर कुछ हो इनके ऊपर तो आपके ख्याल में ये ना कराएं। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, जो सियासत का जिसको चेयरमैन काउंसिल लेवल के बंदों को पता है, और आपको नहीं पता कि कौन कौन से बंदे इनके यार, इनके साथ तो अपने, मुझे आप बात बताएं, जो लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए तो आज असेंबली में नहीं है। 8 बजे रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, सेशन चल रहा है, क्यों नहीं कर ले रहे यार, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप। अभी जहां तक एज ऑफ राइट नाउ ही इज नॉट इवन इन द सेशन, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आप हमारा मुंह बंद करवा दें, बात खत्म कर दें। दादा साहब, मुझे मुझे छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि क्या इनके लोग आपसे रब्ते में हैं? मैं दूसरा एक और चीज के ऊपर कॉमेंट करना चाहूंगा, और मैं जरूरी समझता हूं, वो ये कि देखें, यहाँ जो है एक कोर्ट्स का और जुडिशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि ये आपके वॉर बेस के ऊपर डिसीजन होते हैं। हमारे कोर्ट्स, हमारे जो है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स, उनको चाहिए कि इन चीजों को लटकाए मत। पहले हम 11 तक लेके आए, फिर आगे और तारीखें चीजें, ये या है या नहीं है, नहीं है तो उठा के पहले हमजा शहबाज साहब का इतना लटकाया, ठीक है, अगर वो पहले दिन फारे करना था तो पहले दिन करते, ठीक है, इनका भी है तो है, नहीं है तो खत्म करें। इस अभाम से अवाम का नुकसान है, इस अभाम से पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान है, क्योंकि तमाम मशीनरी हॉल्ट पे है।